हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड म्यूरेटिकम के बारे में, जिसे एसिड म्यूर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एसिड म्यूरेटिकम हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक लवण अम्ल या नौसादर से तैयार होती है। दवा ज्वर विकार यानी सान्निपातिक ज्वर, ज्वर यानी फीवर, मुंह के घाव, सड़े घाव, गले के जख्म, जीभ के जख्म, अतिसार यानी डायरिया, घंटी या उपजिह्वा का फूलना, डिप्थीरिया, सिरोसिस लीवर यानी यकृत का सिकुड़ जाना, आंत उतरना यानी हर्निया, कमजोर बच्चे और गर्भवती स्त्रियों की बवासीर इत्यादि बीमारियों में इसका साधारणतः प्रयोग होता है। म्यूरियाटिक एसिड गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम यानी स्नायु ग्रंथि नाड़ी मंडल पर क्रिया प्रकट कर रक्त चर्म और समूचे अन्न नली पथ पर अपनी क्रिया प्रकट किया करती है। इसमें अक्सर मुंह और मलद्वार पर ही रोग का आक्रमण होता दिखाई देता है। पाकस्थली और आंतों की स्लैस्मिक झिल्लियों में यानी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रदाह और जख्म हो जाते हैं, रक्त दूषित हो जाता है, रक्त के थक्के बंधने लगते हैं और खून खराब हो जाता है। कितने ही टाइफाइड यानी मोतीझरा ज्वरों में इस एसिड की क्रिया साफ साफ दिखाई देती है। काले केश, काली आंखों और काले चेहरे वाले मनुष्यों की बीमारी में यह ज्यादा उपयोगी होता है। चरित्रगत लक्षण रोगी उत्तेजित, चिड़चिड़ा, जरा से में गुस्सा हो जाता है और बिगड़ उठता है। ताकत घटाने वाली सब तरह की बीमारियों में रोगी बेहोश अवस्था में पड़ा पड़ा कराहा करता है। जबरदस्त कमजोरी होती है, तकिए पर सर नहीं टिकता, लुढ़क पड़ता है, एक तरफ नीचे का जबड़ा झूल जाता है, उठ के बैठने पर आंखें बंद हो जाती हैं, जीभ और मलद्वार रोधक यानी स्फिंक्टर एनाइज से कहते हैं पेशियां अपना काम नहीं करती हैं, जख्म में झाग की तरह पदार्थ पैदा होते हैं, स्त्री जननेन्द्रियों का जख्म, मुंह का सांघातिक जख्म, जख्म गहरा छेद कर डालता है, जख्म के किनारे काले रंग के, मुंह से सड़ी गंध, इसके साथ ही अत्यंत दुर्बलता और शक्तिहीनता, मलद्वार का ऐसा दर्द जो छुआ न जाए, बवासीर में भारी दर्द रहने के कारण मलद्वार को हाथ से छूने नहीं देना, अतिसार, पेशाब के साथ ही अनजाने में पखाना हो जाना। दोस्तों ये बड़ा खास सिम्टम है, ऐसा अक्सर देखने को आता है। अगर यहीं पे वायु निकलने के साथ ऐसा हो, यानी वायु निकलने के साथ में अनजाने में अगर पाखाना हो, वहां पे एलोज दिया जाता है, एलोसोक्रोटिना। कलेजे में धड़कन होना जो मुंह तक मालूम होता है, टाइफाइड और टाइफस ज्वर यानी मुंह ज्वर जिसे कहते हैं, में बहुत कमजोरी, गहरी नींद का भाव, बेहोशी, जोर जोर से कराहता है या बड़बड़ाया करता है पेशेंट, जीभ के किनारे मैले, दांत पर कीट यानी सॉर्ट्स जमना, जीभ चमड़े की तरह सूखी और सुन्न हो जाती है, अनजान में बदबूदार दस्त होते हैं, अनजान में यानी अपने आप बदबूदार दस्त होते हैं, हृदय तेज छीण सा, स्पंदन बंद सा हो जाता है, पल्स वीक हो जाती है पेशेंट, ज्वर विकार जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, मियादी बुखार यानी टाइफाइड। जब रोगी इतना कमजोर हो जाता है कि बिछावन में पैखाने पैताने की ओर सरक जाता है, अनजान में पखाना पेशाब हुआ करता है, आंतों का सड़ना धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बड़बड़ाया करता है, बेहोश हो जाता है, जोर जोर से सांस छोड़ता है, कराहता है, जीभ चमड़े की तरह सूखी रूखी और पतली होती जाती है, रोग बढ़ने के साथ ही पक्षाघात की तरह सुन्न हो जाती है जिसकी वजह से जीभ हिला नहीं सकता, हृदय की गति धीमी अनियमित और तीसरी धड़कन मालूम नहीं होती, अनजान में पखाना होता है,
पेशाब करने की चेष्टा करने पर मल निकल जाता है, तकिए से सर नीचे लुढ़क आता है, उसमें रोगी को म्यूरेटिक एसिड की बीमारी समझनी चाहिए, यानी म्यूरेटिक एसिड का इस्तेमाल करने से इस बीमारी में आराम हो जाएगा। इन ऊपर लिखे लक्षणों के साथ यदि रोगी का मुंह और जबड़े अटक जाए, मूर्खों की तरह टकटकी लगाकर देखता रहे, हाथ पैर ठंडे हों, तो समझना चाहिए मस्तिष्क का पक्षाघात हुआ है, यानी मस्तिष्क का पैरालिसिस हुआ है। यह बहुत ही भयानक अवस्था है। विकार में पेप्सिया के लक्षण बहुत कुछ म्यूरेटिक एसिड से सदृश रहने पर भी उसमें इतनी अधिक दुर्बलता नहीं दिखाई देती, यानी म्यूरेटिक एसिड में इतना ज्यादा दुर्बलता होती है जबकि पेप्सिया में इतनी ज्यादा दुर्बलता नहीं होती। रस्टॉक्स नाम की दवा में भी छटपटाहट होती है, इधर उधर करवट बदलता है पेशेंट, बड़बड़ाना आदि लक्षण है, परंतु उसमें इतनी कमजोरी नहीं है, इसलिए म्यूरेटिक एसिड के पहले ही रस्टॉक्स का व्यवहार करना उचित है। फास्फोरिक एसिड इस रोग की बढ़िया दवा है, पर म्यूरेटिक एसिड के साथ इतना प्रभेद है कि फास्फोरिक एसिड में रोगी चुपचाप पड़ा रहता है, मानो उसे न तो कोई तकलीफ है न चिंता, पुकारने पर जवाब देता है परंतु तुरंत बेहोश हो जाता है, परंतु म्यूरेटिक एसिड में या तो रोगी छटपटाता है अथवा एकदम बेहोश की तरह पड़ा रहता है। एपिस में भी बिछावन के पैताने की ओर सरक जाने का लक्षण बताया गया है। एपिस में जीभ के छाले रहने के कारण जीभ बाहर नहीं निकाल सकता। म्यूरेटिक एसिड में पक्षाघात के कारण जीभ बाहर नहीं निकाल सकता। विकार में बेलाडोना का बहुत अधिक अपव्यवहार होता है, इसलिए यह हमेशा याद रखना चाहिए कि बेलाडोना रोग की पहली अवस्था में दें। जब तक मस्तिष्क में थोड़ा रक्त संचय रहता है, पर जब यह दिखाई दे कि रोग के जहर ने समूची देह में फैलकर रोगी को जर्जर कर डाला है, मस्तिष्क में अधिक परिमाण में रक्त संचय हो गया है, उस समय की अवश्य ही म्यूरेटिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। आर्सेनिक इसका लक्षण इसके अध्याय में। यकृत लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर यकृत का सिकुड़ना जिसे कहते हैं, रोग की अंतिम अवस्था में जब शोथ या उदरी हो जाती है, उदरी यानी एसाइटिस पेट में पानी भर जाना, उस समय इससे लाभ हो सकता है। इस रोग में क्रमशः यकृत छोटा होता जाता है और तंतुओं में परिवर्तन हो जाता है। मुंह का घाव जख्म गहरा नीली आभा लिए उसके किनारे लाल, इसके अलावा डिप्थीरिया और मुंह के भीतर वाले दूसरे प्रायः सब तरह के जख्मों में यह लाभदायक है। मुंह से बदबूदार श्राव और खून निकलता है, मसूड़े और ग्रंथियां फूल जाती हैं, बहुत कमजोरी तक ये पर सिर नहीं रहता है, लुढ़क पड़ता है, पे या तरल चीजें निगलने के समय गले नली में अकड़न और दम रुक जाने की तरह होता है। म्यूरेटिक एसिड कार्बनकल का जख्म, वेरिकोज अल्सर यानी शिरा का जख्म, जीभ का जख्म, सया छत यानी जिसको बोलते हैं जब पेशेंट काफी समय तक एक ही करवट लेटा रहे और उसको पेट सूर हो जाए, उसको बोलते हैं सया छत, आदि कितने ही तरह के जख्मों में लाभदायक है। जख्म का रंग नीला या कालिमा लिए नीला, जरा में ही जख्म से खून निकलने लगना और बहुत सा पीप मिला खून निकलना, रोगी का जल्दी जल्दी कमजोर हो जाना, यहाँ सारी चीजों पे म्यूरेटिक एसिड बहुत अच्छा फायदा करती है। उपजीवा का फूलना, उपजीवा यानी गले का जो कौवा होता है, गले का कौवा फूलकर खूब मोटा हो जाता है और जीभ पर आ गिरता है, जिससे बच्चे खांसते और कह करते हैं। बवासीर के मस्से का रंग नीला, बहुत दर्द, हाथ नहीं लगाया जाता, कपड़ा लग जाने से भी तकलीफ होती है, जरा सा ठंडा पानी लगते ही तकलीफ बढ़ जाती है, गर्मी व ताप से तकलीफ घटती है। गर्भावस्था में बवासीर की बीमारी होने पर यह ज्यादा लाभ करता है, पेशाब करने के समय बवासीर का मस्सा निकल पड़ता है, यह इसका बड़ा खास लक्षण है। दोस्तों अतिसार यानी डायरिया, पेशाब करने के समय अनजान में मल का निकल पड़ना,
धोती खराब हो जाती है। वायु निकलने के समय भी कभी कभी मल निकल पड़ता है। एलोज और ओलियंडर के अध्याय में देखिए, अनजान में पतला पाखाना निकलना, पेट गड़गड़ाना, पेट में दर्द न रहना, वमन यानी उल्टी होना, पेट में कुछ भी नहीं ठहरना और टाइफाइड ज्वर में या अन्य बीमारियों में मुंह में जख्म हो जाना, उसके साथ ही ऊपर कहे ढंग का पेट का दोष रहने पर इससे विशेष फायदा होगा। इसकी तकलीफें बढ़ती हैं तर हवा में यानी मॉइस्ट एयर में। इसको कंपेयर कर सकते हैं ब्रैनिया, मर्क्यूरियस और रस्टॉक्स के बाद प्रयोग होना चाहिए। यह दवा बहुत अधिक तंबाकू या अफीम खाने के कारण पैदा हुई कमजोरी को दूर करती है। इसके बाद की दवाएं एल्केरिया, कार्ब, काली कार्ब, नक्स, पल्स, सीपिया, सल्फर, सैलिसिया, ये इसके बाद की दवाएं हैं। क्रियानाशक दवा कौन सी है? ब्रैनिया और कैम्फर। क्रिया का स्थिति काल 35 दिन तक होता है, यानी दवा देने के बाद 35 दिन तक इसका असर रहता है। इसका जो क्रम यूज किया जाता है वह 6 से लेकर के 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी तक ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज एसिड म्यूराटिकम के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आप लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। अगर आपको लगता है दोस्तों कि बहुत आपको इससे फायदा हो रहा है तो आप अपने इन को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिले। कुछ और अगर आप इसमें कहना चाहते हैं दोस्तों, मैं कहूँगा कि कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है। मुझे भी लगता है कि हाँ मैं सही से अपने गोल को फॉलो कर रहा हूँ मैं, या सही से मैं काम कर रहा हूँ, या कुछ इसमें और परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपको कैसा लगा उसको आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगेगा और लोगों को इससे फ़ायदा भी मिलेगा कि इसमें कुछ और सुधार करने की गुंजाइश है क्या। दोस्तों फिर मिलते हैं इसके आगे की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।